अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। हम लोग अपनी सातवें वेतन आयोग की मांग के लिए बैठे हैं। 24/11/16 को हमारे कमेटी के श्री कमलेश चंद्र जी की अध्यक्षता में जो हमारी मांगे हुई वो सरकार को दे दी गई। उसमें सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, अभी तक हमारी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। सर्विस डाकघर के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण डाक कर्मचारी समस्त लोग हड़ताल पे, तो बस यहीं भी बैठे हैं कि और जगह? नहीं, हर जगह, पूरे जो देश में जो है ऑल इंडिया है। तो अभी कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन। 16 जनवरी में परमानेंट कर्मचारियों की लागू हो गई, हम लोगों की अभी तक लागू नहीं हुई। अब 18 आ गया, बताइए 2 साल हो गया, पे कमीशन की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं, सरकार क्या चाहती है? तो 2016 से लेकर अब तक में आपने कितनी बार दरखास्त वगैरह या अधिकारियों से मांग की है? अरे हमारे संघ वाले बराबर संपर्क करते रहे, उनसे बराबर संपर्क करते रहे, आश्वासन पे। अगले अभी इसी बजट सत्र में जो चल रहा था आपका अधिवेशन, इसमें पे जेटली जी के पास पे कमीशन की रिपोर्ट की, वो सब कुछ फाइनल रिपोर्ट चिड़िया बैठाना था, नहीं बैठा है। 14 तारीख से धरने पे लोग बैठे हैं, तो क्या कारण है उसका? इनका 7वां वेतन आयोग गठित था, सरकार की तरफ से केवल मंजूरी बाकी है, सिफारिश मंजूर हो गई है वित्त मंत्रालय से और संचार मंत्रालय से भी, केवल कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। कई बार इन लोगों को आश्वासन मिल चुका है, नहीं हुआ नहीं, इसलिए हड़ताल में चले गए। तो ये मंजूरी कब मिली थी? मंजूरी हुई लगभग 1 महीना हो गया, 1 माह तो मंजूर हो गया है, आश्वासन मिला हुआ है इनको। अब जैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी फाइनल हो जाएगा उनका। तो आपको क्या लगता है कि जो धरना पर बैठे हैं ये लोग, तो क्या धरना से जो कार्रवाई है, मांग है, पूरी हो पाएगी? अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि क्या होता है भाई। कई बार उन लोगों ने दिल्ली में भी अनशन किया, नहीं हुआ तो मजबूरों के हड़ताल पे चले गए। कुछ प्राइवेट लोगों को लगा के व्यवस्था करा रहे हैं, जैसे डाक भिजवाना है उसके लिए हम प्राइवेट लोगों को लगाए हैं, डाक जा रही है, ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि अगर हड़ताल से कुछ तो व्यवधान हो जाए।